अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। यूनिक सिम्टम्स के सिलसिले में आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। आज जो मेडिसिन मैं डिस्कस कर रही हूँ, मेरे पिछले चैनल पे मैं इसका पूरा एक वीडियो बना चुकी थी, आज फिर दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेडिसिन है वो हाइसोमस है, हाइसोमस निगुरा, ठीक है। हाइसोमस की जो अहम यूनिक सी सिम्टम्स है, बस उसको ही हम जिक्र करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। हाइसोमस बेसिकली जो है ना, वो कहा जाए कि पागलों की मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर मेंटली डिसऑर्डर पाया जाता है। पेशेंट के अंदर उसके जो दिमाग का डिसऑर्डर है, उसकी बहुत 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 अच्छी मेडिसिन है। इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता है। इसका जो पेशेंट होता है वो बात बे वजह करे जाता है, बोलने पे आता है तो बेवजह बोल ही जाता है। आप उससे बात करें या ना करें, उसको बुलाएं या ना बुलाएं, उससे कोई क्वेश्चन करें या ना करें, उसने बोले जाना है, जो उसके दिल में आ रहा है वो बोले जाता है। वो बाज़ दफ़ा बेवजह भागने लग जाता है, बाज़ दफ़ा बेवजह हंसने लग जाता है, बाज़ दफ़ा खुद ही बात करता है, क्वेश्चन करता है, खुद ही आंसर देता है और खुद ही हंसता है। बाज़ दफ़ा वो बहुत गुस्से में आ जाता है, वो रोने लग जाता है, बाज़ दफ़ा वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचाने लग जाता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो आपको इस सिम्टम में नज़र आते हैं, और उनका बेहतरीन इलाज जो है हाइसोमस में है। मुझे याद है मेरे घर के पास से डेली एक सुबह एक बुज़ुर्ग टाइप से कोई आदमी गुजरा करते थे। उन्होंने हाथ में एक ईंट पकड़ी होती थी, और फजर के टाइम, एग्जैक्ट फजर के फौरन बाद जब लोग मस्जिद के लिए जाने लगते हैं, तो उस वक्त वो हमारी गली में बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हुए, बहुत ही बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ निकालते हुए गुजरते थे। तो शुरू में तो मुझे सब बच्चे डर जाते थे, लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये हमारी हाइसोमस जो मेडिसिन है उसके पेशेंट हैं। लेकिन उसको मैं मेडिसिन देने में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि उनका जो बिहेव था वो बहुत ही डेंजरस था। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिक सिम्टम वो ये है कि जब आप बिहेव पेशेंट ऐसा बिहेव करे जस्ट लाइक मैट, पागलों वाले बिहेव करे, पागलों की तरह बोले हंसे, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो दूसरी सिम्टम है वो कॉफ की है, खांसी की है। ये खांसी की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। खांसी के लॉट ऑफ मेडिसिन हैं जो माइंड सिम्टम के हिसाब से डिफरेंट हो जाती हैं। इसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम ये है कि इसका जो पेशेंट है, जिस वक्त वो लेटता है तो उसको जो खांसी है वो बहुत शदीद आती है, और जैसे ही वो उठ के बैठता है उसकी खांसी ख़त्म हो जाती है जैसे कभी थी ही, और जब दोबारा वो लेटता है तो दोबारा खांसी ऐसे शुरू होती है कि जैसे कभी रुकी ही नहीं थी, और पेशेंट थ्रू आउट नाइट बहुत डिस्टर्ब रहता है इसकी खांसी की वजह से, और इसकी नींद डिस्टर्ब रहती है और वो पूरी तरह सो नहीं सकता है। तो इस तरह की कफ के, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि ये बस आप मेंटली डिसऑर्डर लोगों की ही खांसी का इलाज है, अगर आपको लगता है कि आपका बिहेव ऐसा है कि आपको बहुत जल्द बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आपको अपने आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखता और आप ऑटोमेटिकली पागलों वाली हरकतें करने लगते हैं, और आपको खांसी हुई है या खांसी होने की वजह से आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ गया और पागलों वाले सारे काम आपसे हो रहे हैं, और आप जब लेटते हैं तो खांसी बढ़ जाती है, तो उठ के बैठते हैं तो खांसी ठीक हो जाती है, तो इसको आपने हाइसोमस को 30 में देना है, बहुत 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 अच्छा इफेक्ट करेगी। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सिम्टम्स हैं, वो टॉचिंग बहुत होती है। टॉचिंग क्या होता है? हेड टू टो आपके अंदर ऐसी होती है कि आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपकी खुद साख्ता हरकत हो जाना, यानी ऐसे ऐसे कभी हाथ पाँव टो हेड कंधा, कोई खुद से जो हरकत करता है जिसका आपका अपने ऊपर बस नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में कि आप बिल्कुल साकत हो और अचानक से कोई आपका ऑर्गन ऐसे जो है आपकी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हाइसोमस बहुत बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद आ जाता है हाइसोमस का जो पेशेंट है, इसकी नेक्स्ट जो यूनिक सिम्टम है वो ये है कि उसको अपने बिजनेस के बारे में बहुत टेंशन रहती है। वो अपने हर वक्त अपने बिजनेस के बारे में सोचता है कि ओहो आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, कल मैंने इतने पैसे कमाने हैं, मैं वो फलां काम कैसे करूँगा, फलां कैसे करूँगा, अगर मैं ये काम किया ये भी फ्लॉप हो गया, इस काम में इतना रिजल्ट आएगा, उसके बारे में वो इतना सोचता है कि उसकी नींद इतनी डिस्टर्ब हो जाती है। नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से
उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ही गुस्सा आता है। तो ऐसी कंडीशन में कि पेशेंट जो है वो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत परेशान रहे, उसकी दिमागी अलामत बढ़ने लगें, तो हाइसोमेस 30 में या आप वीकली भी दें तो बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट सिम्टम है वो फीमेल के ऊपर है। फीमेल में अगर डिलीवरी के बाद उसका यूरिन बंद हो जाता है, या उसको या यूरिन की ख्वाहिश ही नहीं रहती, यानी कि अनसेटिस्फाइड डिज़ायर होती है या डिज़ायर होती नहीं है यूरिन पास करने की, कि 8-8, 10-10 घंटे गुजर जाते हैं और पेशेंट यूरिन को पास करने के बारे में सोचती भी नहीं है, या दूसरी सिम्टम में यह है कि डिज़ायर होती है लेकिन उससे पास नहीं हो रहा होता आफ्टर डिलीवरी, और यूरिन की पेन की वजह से वो पागल हो जाती है, चीखती चलाती है, तो ऐसी कंडीशन में हाइसोमेस 30 में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो इसकी सिम्टम है वो पीरियड्स में है। इसके पीरियड्स कैसे होते हैं कि जब जैसे ही पेशेंट को पीरियड्स आते हैं तो इसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, इसको दर्द अक्सर वो पेट में दर्द की कंप्लेन करती है, लेकिन उसको पीरियड्स के दौरान ही हाथ पांव बहुत ज़्यादा इनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स हैं ना जिसपे आपका काबू नहीं रहता वो वाली मूवमेंट्स होती है, लेकिन जैसे ही पीरियड्स ठीक होते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हाइसोमेस 30 और 200 में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो नेक्स्ट इसकी जो सिम्टम है वो ऐसी है कि पेशेंट का गुस्से की वजह से अगर कोई नुकसान हो जाए, यानी कि किसी बात पे किसी को गुस्सा चढ़ा और वो चल के गया, वो गिर गया और गिरने की वजह से उसके दिमाग पे कोई चोट आ गई, सर पे कोई आ गई, यानी कि कोई ऐसी चोट या कोई ऐसी बीमारी जिसका रीज़न गुस्सा हो, ठीक है, दिमागी डिस्टर्बेंस हो, तो उसमें भी हाइसोमेस बहुत अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद ये नाकाम आशिकों की बहुत अच्छी दुआ है, ये लास्ट एंड यूनिक सिम्टम आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको मोहब्बत में नाकामी हो गई है और आप जिस तरह किसी से मोहब्बत करते थे उसने आपके साथ वैसे मोहब्बत नहीं की, या जैसे आपने किसी के लिए सोचा तो उसने आपके साथ वैसा नहीं किया, और आप हर वक्त उसी गम और उसी तकलीफ़ में रहते हो कि मैंने उसके लिए ये 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 किया और उसने मेरे लिए ये 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 नहीं किया, और ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट हर वक्त अपने जो उसको लॉस हुआ है पैसे का नहीं दिल का मोहब्बत का, उस लॉस को हर वक्त सोचता रहता है, और जब उसको कोई बुलाए तो इंतहाई पागलों की तरह का बिहेव करता है, गुस्से से जवाब देता है, इंतहाई चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी जो प्यार में मोहब्बत में नाकामी है वो उसको पागल किए जा रही हो, तो ऐसे नाकाम आशिकों के लिए जो आज 90% भरे पड़े हैं उनके लिए ये हाइसोमेस बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये मैंने हाइसोमेस की यूनिक सिम्टम्स आपके साथ शेयर की, आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिक सिम्टम्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।